वेलकम बैक बाबा होटल के नई वीडियो में आपका स्वागत है। देख लेते हैं आज कार का बैच, रेंडमली वीडियो में बना देता हूं। ये स्कॉर्पियो आपने देखी थी, दो तीन दिन पहले खरीदी आप लोगों के लिए, और अंदर क्या चल रहा है वो देख लेते हैं रेंडमली, बिना किसी को बताया कि भाई वीडियो बनने वाला है। ये होंडा सिटी जो आपने दो तीन दिन पहले देखी थी, जो खरीद के लाए थे, क्या हालत होगी देख लीजिए। ये पूरी वायरिंग हेडलाइट की, हॉर्न की, रिले की, एसी कंप्रेसर की, एसी का कंप्रेसर इसका निकाल दिया, रेडिएटर हम लोगों ने निकाल दिया, गियर बॉक्स इसका निकाल दिया, जितने भी सेंसर आते थे वो सेंसर हम लोगों ने निकाल दिए, क्योंकि वायरिंग ट्रेनिंग भी इसी में है, अलग से नहीं होती। मैं बार बार बताता हूँ, इंजन है, गियर है, ब्रेक है, वायरिंग है, शॉकर है, सस्पेंशन है, एसी है, सब कुछ इसी में होता है। और किस तरह से हम लोग गाड़ी खुलवाते हैं, आपके सामने गाड़ी है, तीन दिन पहले लाए थे, चालू गाड़ी थी, ऊपर ऊपर से वो ये टूल लगा के दिखाना, ऐसे झुंझुना की तरह, देखो इससे ये होता है, इससे होता है, कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक अपने हाथ से इन चीज़ों को नहीं खोलोगे ना गाड़ियों को। अलग इंजन को खोल के टेबल पर रख दो नंगा करके, समझो उसको, वॉश करो, हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझो, वापस लगाओ, गाड़ी में लगाओ, गाड़ी को स्टार्ट करो, क्लच प्लेट समझो, प्रेशर प्लेट समझो, माउंटिंग समझो, गियर बॉक्स समझो, एक्सल समझो, डिस्क ब्रेक समझो, ड्रम ब्रेक समझो, सस्पेंशन समझो, इंजन समझो, तब आएगा मजा आपको सीखने का। और वायरिंग भी समझो गाड़ी में, ऐसा नहीं कि यहाँ से तार काट रखे हम लोगों ने और यहाँ से मल्टीमीटर से झुंझुना लेके हम लोग देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, स्टूडेंट को खुश कर दिया। अरे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक इनको आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि ये रिले कहाँ जा रही है, पूरी कंटिन्यूटी चेक कैसे करें। टेबल पे कंटिन्यूटी चेक नहीं होती, इनमें चेक होती है कि गाड़ी की कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा तो ये तार कहाँ से घूम के आ रहा है, ECM में आ रहा है कि अंदर के फ्यूज बॉक्स से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है, तब समझ में आएगा आपको। मल्टीमीटर लेके और ये सब लेके ना, टूल वूल लेके, ऐसा ये जुगाड़ लेके कभी मैकेनिक नहीं बनोगे। ये हाथ काले करने, हाथ दिखाने तेरे भाई, क्या किया आज आपने इसमें? सस्पेंशन तो ट्रेनर खोलते हैं कि आप खोलते हो? ये शॉकर पूरा आपने निकाला था क्या? ये ऐसे बस एक दो बोल्ट खोले और हो गया टाइम पास, पूरा बांध निकाला था। ठीक है, ये वही गाड़ी के चालू होके आई थी होंडा सिटी, वो कोई रोकता है क्या इस पे? ये खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, इस पे ये मत करो वो मत करो, चालू गाड़ी है। ठीक है, आप सस्पेंशन कर रहे हैं? हाँ दादा, ये वही गाड़ी दो दिन पहले जो इंजन लगा हुआ था, गाड़ी स्टार्ट थी क्या? स्क्रैप का इंजन खोल रहे हो? देखा था करके, या वीडियो मत बोलो झूठ। नहीं नहीं सर, स्टार्ट करके देखा था, पहले स्टार्ट थी। हाँ, अभी हमने स्टार्ट, ट्रेनर ने निकाला कि आपने निकाला है पूरा इंजन? इंजन, गियर, ब्रेक, वायरिंग अकड़म झकड़म सब हमने किया सर। अब इसको पूरा नंगा, पूरा नंगा करके इंजन रख दोगे ना यहाँ पर? ठीक है, बिखारो जिब बात, ये बात होनी चाहिए। देख लो भाई लोगो, कैसे गाड़ियों को खोला जाता है, बिखेरा जाता है, कैसे वापस फिट किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, देख लीजिए। ये होती है प्योर कार ट्रेनिंग, जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिक, जिसको बोलते हैं मैकाट्रॉनिक्स, वायरिंग भी इसी में होती है, इंजन भी आ रहा है, और क्या मस्त तरीके से देखिए कर रहे हैं। अंदर हमारे 10 टाइप्स के इंजन है, मारुति, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, ऑडी, मर्सिडीज, ये महिंद्रा का इंजन है जो आपको मैंने दिखाया नहीं, देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड थी सर महिंद्रा स्कॉर्पियो आ गई, तो महिंद्रा का इंजन भी लाओ, ये आ गया आपके लिए। खुश? इन लोगों से देख लेते हैं ये भाई लोग क्या कर रहे हैं। कल जो इंजन आपने दो दिन पहले वीडियो देखा था, ये इंजन यहाँ पर खुला हुआ रखा था, पूरा इंजन, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, कनेक्टिंग रोड यहाँ पर रखी हुई थी, खुली हुई। आज इन्होंने इंजन फिट किया है, गाड़ी में चढ़ा दिया है, माउंटिंग लगा रहे हैं, एसी का कंप्रेसर, गियर, क्लच, ब्रेक, शॉकर, सस्पेंशन सब लगा रहे हैं, और तीन चार लोगों का बैचा देख लो। ऐसा नहीं कि भीड़ लग रही है, 20 लोग खड़े हैं, एक लड़का कर रहा बाकी खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको काम दे रखा है। ये चार लोग इंजन खोल रहे हैं, वो तीन लोग शॉकर देख रहे हैं, ये तीन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और भी देखो अभी तो, आगे चलो, अंदर चलो, अभी पिक्चर बाकी है। क्या खुलवा रहे हो सर? समझा इसको सर, अभी तो खुला है ये, 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 इससे पहले ट्रांसमिशन क्यों नहीं किया? डेमो इंजन के संग होंडे वरना का हो गया। समझा मेरे को क्या क्या, ये क्या है? ये डिफरेंशियल है सर। ये डिफरेंशियल है सर। तो डिफरेंशियल गियर के संग आता है, अलग आता है? अलग आता है। अच्छा, मिलाने का रहता है इसमें। और वो जो SUV में रियर व्हील ड्राइव है, जो जैसे स्कॉर्पियो या बोलेरो है, उनका गियर और डिफरेंशियल अलग आते है कि आता है? पता नहीं सर इसके बारे में। वो SUV अभी अभी आई नहीं, अभी अभी कार पे चल रहे मतलब आप? ठीक है, सर
कौन सी गाड़ी का ये? अच्छा अच्छा, वो जो अभी लाए थे दो दिन पहले गाड़ी लाए थे, ये भी खोल दिया? बात हाँ भाई, कोई ट्रेनिंग सेंटर में देखा है क्या ऐसे गाड़ियों को ऐसे खोलते हुए? नहीं सर, यहाँ आए तो सब खुल रहा है, बता रहा है। ठीक है सर। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा सर। इससे पहले कितने ट्रांसमिशन किए थे? इससे पहले एक। कौन सी गाड़ी का? स्विफ्ट डिजायर का। और ये जो हुंडई जो वरना का रखा है जो? अच्छा ये नहीं किया आपने, एक स्विफ्ट डिजायर और एक होंडा सिटी। ठीक है, ये होंडा सिटी का ट्रांसमिशन है जो अभी आपने बाहर देखी ना गाड़ी, जिसपे वो इंजन अभी दिखा रहा था, ट्रांसमिशन यहाँ पर ले आए हैं ये ओपन करने के लिए। तो स्विफ्ट डिजायर का इंजन खोल रखा है पूरा, इसका रेडिएटर, एसी का कंडेंसर, एसी का कंप्रेसर, हेडलाइट, दोनों हेडलाइट है, हॉर्न है, सब कुछ इसमें लगाएंगे और स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। ये चल रहा है, ये पेट्रोल इंजन को खोलना चालू कर रहे हैं, किस तरह खोलेंगे दिखा दूंगा। होंडा सिटी जिसका ट्रांसमिशन खोल के अंदर ले गए। अब वर्किंग कार पे आने से पहले होंडा सिटी पे या मारुति स्विफ्ट पेट्रोल या फिर हुंडई एसेंट या फिर स्विफ्ट डिजायर वीडीआई या फिर अंदर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये लोग को आने से पहले इनको क्या करवाया जाता है वो भी जरा आप देख लो। और कहीं पे आपको वीडियो दिख जाए पूरे इंडिया में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जो इतने टाइप के इंजन इतनी गाड़ियां करवा रहा, तो मेरे को भेज देना, आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री। ये सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, या पर BS6 की ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपने टू व्हीलर वालों ने देखा था। ये व्हीकल दिखाने के लिए नहीं है, वीडियो बनाने के लिए, खोल के असेंबल बताया जाता है। और BS6 हमने ऑर्डर दे दिए हैं, बहुत सारी BS6 नई गाड़ी हम लोग अभी लाने वाले हैं। वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये BS6 एक्टिवा है, ये वो R15 है। कार की बात कर रहे थे तो होंडा एकॉर्ड का V6 इंजन, 6 सिलेंडर, 3 सिलेंडर इसमें, इधर 1 2 3, 1 2 3, 3 6 सिलेंडर इसमें, इधर टाटा सफारी का इंजन, स्कोडा का इंजन। ये दो ट्रांसमिशन देखो वहाँ पड़े थे, हुंडई वरना का, ये मारुति का ट्रांसमिशन, ये फोर्ड का ट्रांसमिशन, ये ऑल्टो का इंजन, ये ऑडी A4। और ये दिखाने के लिए नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए है। ये BMW का 6 सिलेंडर इंजन 5 सीरीज का। ये मर्सिडीज का इंजन, कौन सा इंजन है सर ये? मर्सिडीज बेंज का देख लो दादा, ये मर्सिडीज बेंज का इंजन कर रहे हैं। आप भी कुछ कर लो, वीडियो देखते देखते टाइम पास मत करो। ये नेक्स्ट इंजन है हमारा फोर्ड का, ये शेवरोले बीट का, ये फोर्ड का, ये होंडा सिटी का, ये टाटा का। ये फोर्ड का इंजन अभी डिसमेंटलिंग करना चालू कर रहे हैं, अभी वो डिस्टर्ब नहीं करते। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है BMW का, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है मर्सिडीज का। बाकी सेल्फ, ऑल्टरनेटर, ये सब भरे पड़े हैं हमारे पास, ये कोई हवा नहीं है। जितने सेल्फ ऑल्टरनेट डायनेमो करने करो, वायरिंग हो चाहे ECM की वायरिंग हो, ECM का बैच ऊपर चल रहा है वो बाद में अभी देखेंगे। यहाँ पर ये टू व्हीलर के इंजन है, 12 से 13 टाइप के इंजन्स। यहाँ पर ये कार्स के इंजन, ये होंडा फोर्ड के इको स्पोर्ट इंजन है, ये हमारा मर्सिडीज का इंजन है, ये हमारा ऑडी का इंजन है, ये हमारा BMW का इंजन है, ये हमारा मारुति का इंजन है, ये हमारा मारुति का ट्रांसमिशन है, ये फोर्ड का ट्रांसमिशन है, और यहाँ पर ये होंडा एकॉर्ड का ट्रांसमिशन है। V6 इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है ये। जब ये 8 से 10 टाइप्स के इंजन आप कर लेते हैं तो फिर आप कहाँ जाते हैं? सामने वर्किंग कार्स पे। तो ये था बाबा ऑटोमोबाइल, देखिए और देखिए और देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।